हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ा है भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ ऑल न्यू 2023 हुंडई वर्ना, जो कि है एस, और ये केवल पेट्रोल मतलब ये नेचुरल एस्पिरेटेड में आता है, कोई टर्बो इंजन इसमें आपको नहीं मिलेगा। बट वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये क्यों सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वर्ना का। सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि है पेट्रोल डीजल भाई अनफॉर्चुनेटली वरना बंद हो चुकी है, जो आपको प्रोवाइड करता है 115 bhp विद 145 nm ऑफ टॉर्क। एंड कार की एक बार आप लुक देख लो भाई, कितनी ही ज्यादा बढ़िया लगती है। बट चक्कर वही है, आई नो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैंने दे दिया है, किसी किसी को यार देखो बढ़िया लगती है, ऐसे नहीं है कि इसकी सेल्स डाउन है भाई। महीने में 4 से 5 हजार सेल्स तो इसकी हो ही रही है अभी एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यार ऐसा तो है नहीं ना कि बिना पसंद के भी कार लोग बाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद तो आ ही रही है इसकी लुक। बट एनीवे, फ्रंट से हम स्टार्ट करें जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, कनेक्टिंग DRLs इस वेरिएंट में भी मिल जाती है, मतलब कि एक तरह से मान लो सेकंड बेस मॉडल है, बट स्टिल आपको जो USP फीचर है ना वो इसमें आपको मिल जाता है, जो लोग कह रहे हैं कि ट्यूबलाइट सी लगती है, बट जो है भाई वो यही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम नीचे आ जाते हैं। इधर आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है, हेलोजन इंडिकेटर मिलता है, फॉग लाइट आपको होता है नहीं मिलती है। अपर वेरिएंट्स में ना आपको LED सेटअप मिल जाता है, बट यस इसमें आपको प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर सब कुछ ही आपको हेलोजन मिलेगा। एंड ग्रिल की बात करें भाई, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल, ग्लॉस में आपको ग्रिल मिलेगी, और स्किटर टाइप्स देख लो, जो ट्रीटमेंट है ना कहीं एस्थेटिक तो वरना में लगता ही है। 170 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, पहले से 5 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो चुकी है। साइड में आ जाते हैं, इस वेरिएंट में आपको लगेगा कि भाई ये व्हील कैप है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है, व्हील कैप है अलॉय व्हील्स है। बट एनीवे, टायर साइज की हम बात करें, 185 R15 टॉप मॉडल में आपको होता है भाई 205 R16 मिलता है, इसमें आपको 185 R15 मिलेगा। एंड ORVMs की बात करें, इंडिकेटर आपको ORVMs पे मिलेंगे, बट डोर हैंडल्स आपको कलर्ड ही मिलेंगे। अपर वेरिएंट्स में आपको बताया भाई सेटिन फिनिश का ट्रीटमेंट इसमें मिलता है, एंड लोगो में भी ना भाई सेटिन फिनिश है, ये तो कवर हो रखी है। हुंडई अपनी काली कारों में ना यही करता है भाई, कवर करके भेजता है कि स्क्रैच वगैरह ना हो, वेयर एज महिंद्रा तो भाई कवर ही नहीं करता, रफ टफ कार बनाता है भाई महिंद्रा। बट यस, एक बार आपने इसकी बॉडी लाइन देखो भाई, जो कट्स एंड पीसेस है ना कितने एस्थेटिक लगते हैं। आई नो कार थोड़ी गंदी हो रखी है भाई, ब्लैक कलर है, आप ज्यादा तो इससे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बट यस, इधर से आप पेट्रोल भरेंगे, 45 लीटर की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड अब हम आ जाते हैं रियर में भाई, कनेक्टिंग टेल लाइट मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है, फ्रंट की चलो ठीक है मान गया नहीं अच्छी, बट रियर लुक भाई कार की बहुत बढ़िया है। इधर वरना लिखा है सेटिन फिनिश में हुंडई का लोगो। नीचे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, हेलोजन इसमें आपको इंडिकेटर मिलेगा, बट जो टेल लाइट है वो आपको LED ही मिलेगी। और यार ये देखो फिट एंड फिनिश कितनी बढ़िया है यार, मतलब बढ़िया लगती है यार पीछे से, तो पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रही है ये। बट एनीवे, बूट की बात करें 528 liters, मतलब बेस्ट इन सेगमेंट इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील इसमें आपको 15 इंच का ही मिलेगा, कोई स्प्लिट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड टेल गेट एक बार हम करते हैं बंद, बट इधर देखो यार ये थोड़ा ट्रीटमेंट एक्सपोजिंग सा ही है यार, क्या कर रही है भाई कंपनी, कितना पैसा बजाएंगी। एक्स शोरूम की भी मैं अभी बात करूंगा, बट यस जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट्स है ना ये देख लो भाई, हेलोजन नहीं है, LED नहीं है। बट जो अच्छी बात है भाई, इस वेरिएंट में भी आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, बट बाहर से कार कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। एंड यार अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। सबसे पहले हम की बात करते हैं, इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन तो मिलता नहीं है, तो ऐसे इसमें आपको फ्लिप की मिल जाती है, लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए भाई ये बटन है। इधर हुंडई का लोगो, फ्लिप की है जैसे मैंने आपको बताया, लगा देते हैं हम वापस इसे इधर ही। एंड डोर ट्रिम की बात करें, कोई सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट नहीं है, आपको ऐसा फील आएगा, बट भाई केवल हार्ड प्लास्टिक है। एम्बिएंट लाइट भी इस वेरिएंट में नहीं मिलती है, 2 bottle holder मिल जाते हैं, कुछ स्पेस है, बट जो अच्छी बात है भाई ORVM आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं पावर विंडोज के कंट्रोल, बट जो इंटीरियर है ना भाई गंदा बहुत जल्दी हो सकता है। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन है, इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है भाई, कम से कम हाइट एडजस्टमेंट तो कार में दिया गया है। अब मैं आ गया हूँ कार के अंदर, सीट कर लेता हूँ थोड़ी सी एडजस्ट, गेट कर लेता हूँ बंद, और कार को ना एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ भाई। जो रिफाइनमेंट है, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड इंजन है यार इसका, देखो क्योंकि पेट्रोल इंजन है भाई, मतलब आपको ना ब्लेक का लगेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रिक कार तो नहीं चला रहा, वो वाला हिसाब किताब आ जाता है भाई इसमें। और भाई गर्मी हद से ज्यादा, 30 degree दिखा रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि 50 degree है भाई, पसीनों में भीग चुका हूं। बट एनीवे, वापस हम कार की बात करें, ऐसा कुछ है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगेन भाई पूरी कार ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट स्टिल सेल्स इसकी है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, क्या बात है, थोड़ा सा हार्ड है बट ठीक है, यूज करोगे समझ आ जाएगा आपको। इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट्स देखो यार कितने ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, नाइस। इधर से तो पूरी टॉप मॉडल वाली लुक ही आती है, आई मीन स्क्रीन चलो SX वाली है, टॉप मॉडल में बड़ी स्क्रीन आ जाती है, बट SX में आपको ये स्क्रीन मिलती है। अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात हो ही रही है, इसमें आपको मिल जाता है वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऑटोमेटिक AC इस वेरियंट में मिलता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट यही है, और जो फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है ना भाई मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, वो भी इसमें आपको मिल जाती है। बट जो पर्सनली अच्छी चीज मुझे नहीं लगती भाई
इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट अगेन इस वेरिएंट के हिसाब से भाई बढ़िया है, टॉप मॉडल वाले इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो वेन्यू में भी आता है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हो भाई, उल्टा हिसाब कर रखे। और हाँ भाई, इस वेरिएंट में भी आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, अडास नहीं मिलता बट भाई सिंपल क्रूज कंट्रोल मिलता है जो कि अच्छी बात है। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वरना लेनी है ना ये वाला वेरिएंट ले लो, इसमें बस एक चीज आपको मिसिंग लगेगी जो कि है सनरूफ, उसके अलावा यार कुछ भी मिसिंग नहीं है। एम्बिएंट लाइट भी आप कह सकते हैं, बट जिसे कहते हैं ना जिसे बाहर से ही थोड़ा बहुत काम कराना है उसके लिए भाई ये कार बेस्ट है। इधर आपको सी टाइप सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट, कोई वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। ये वाला एरिया खाली है, ये वाला एरिया खाली है। आपको टॉप मॉडल में वेंटिलेटेड सीट, हीटेड सीट्स के बटन मिलते हैं, मोड वगैरह के बटन मिलते हैं, कैमरा का बटन मिल जाता है। एंड गियर नॉब की बात करें, क्रोम ट्रीटमेंट मतलब कि जो अपर वेरिएंट्स में आते हैं ना ग्लॉस और क्रोम सा ट्रीटमेंट, वो आपको नहीं मिलता है। इधर आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट की बात करें ठीक ठाक स्पेस है, एंड स्लाइड भी हो जाती है, इस वेरिएंट में भी स्लाइड हो रही है, नाइस। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल रहा है भाई, मान गया। ये वेरिएंट भाई मेरा तो वरना का फेवरेट है और वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि केवल एक्स शोरूम ये है 11.96 लाख रुपीस। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। स्क्रीन तो आपको बताइए हर हुंडई की कार में ऑलमोस्ट यही स्क्रीन आती है, स्मूथ भाई अल्ट्रा है। एंड हार्ड प्लास्टिक नो डाउट भाई यूज करा गया है, बट जो ये वाला मटेरियल है ना मतलब कि फेक स्टिचिंग है, यू नो ये बढ़िया लगता है भाई। और एसी वेंट्स तो जैसे मैंने आपको बताया भाई प्रीमियम लगते ही है। और भाई इस वेरियंट में भी आपको ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और क्या चाहिए यार, इधर आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड सिटिंग कंफर्ट की बात करूं, सेडान है तो कंफर्ट तो भाई आपको मिलेगा ही मिलेगा, रियर कंफर्ट भी भाई यहां तक कि इसका इंक्रीज हो चुका है, बताओ भाई। वरना डीजल में आती ना, सही बता रहा हूँ, अभी बिना इसका बोल वाला होता, बट अनफॉर्चुनेटली डीजल डिसकंटिन्यू कर दिया, जिन्हें पता उन्हें पता भाई, अगर डीजल होती तो मैं भी अपनी वरना से शिफ्ट होकर इस वरना पे आ जाता। आई नो कंट्रोवर्शियल है इसकी लुक्स, बट स्टिल यार मुझे तो देखो बढ़िया लगती है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। एंड अब रियर स्पेस की बात हो रही है भाई, पीछे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है SX और SX ऑप्शनल की, उसमें मैंने आपको बताया कि जो लेग रूम है भाई बढ़िया हो चुका है। एंड इधर आपको मिल जाते हैं रियर एसी वेंट, नीचे कुछ स्पेस है, दो सी टाइप सॉकेट भी इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड हम्प की बात करें, ज्यादा बड़ा हम्प नहीं है। आईआरवीएम की बात करें, ऑटोमेटिक आईआरवीएम इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, मैनुअल आईआरवीएम मिलेगा। कैबिन लाइट्स इसमें आपको हैलोजन मिलेंगी, बट यार ये देखो यार हुंडई को क्या हो चुका है यार, हम जिस हुंडई को जानते हो ऐसी तो नहीं थी, बट समझ नहीं आ रहा भाई। पहले बूट में भी मैंने आपको दिखाया, ये भी मैंने आपको दिखाया, बट एनीवे सनशेड की बात करें, इधर आपको मिरर मिल जाएगा एंड इधर भी आपको मिरर मिल जाएगा, कोई लाइट नहीं है। बट सेफ्टी फीचर्स की बात करें, इस वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ना फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया बात है। और एक्स शोरूम अंडर 12 लाख की कार पड़ रही है, तो भाई मुझे तो बढ़िया लग रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ भाई आपको ये कार कैसी लग रही है, कैसी नहीं। एंड वर्टस के मुकाबले में ना इसमें बस एक कमेंट आएगा कि भाई सेफ्टी नहीं है इसमें, बट भाई अभी इसका एनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, एक बार इसका एनकैप टेस्ट हो जाए ना तब बात करेंगे भाई कि सेफ्टी वगैरह ऐसी कैसी है कैसी नहीं। बट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, जो ये वाला वेरिएंट है कहीं ना कहीं SX और SX ऑप्शनल से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पर्सनली मुझे लगता है। अगर आपको नेचुरल एस्पिरेटेड लेना है इंजन तो भाई बेस्ट है, अगर आपको टर्बो लेना है तो आप भाई SX पे चल जाओ, बस इसमें सनरूफ मिसिंग है भाई। अगर इसमें सनरूफ भी आती ना तो मतलब समझ रहे हो पूरी बातचीत बन जाती है, ऊपर से काली वरना दिलों पे राज करती है, आपको पता ही है क्या हिसाब है इसका। बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।